तुसी देख रहे हो दुआबा मेल, मैं तुहाडे नाल अंजू। गुरदासपुर विच जेसीबी ऑपरेटरां दे मालकां ने नैशनल हाईवे ते अपनियां जेसीबी मशीनां खड़ियां करके पंजाब सरकार दे खिलाफ रोस प्रदर्शन कीता अते कहा कि माइनिंग विभाग दे अधिकारी उन्हां नूं तंग परेशान कर उन्हां उपर परचे दर्ज कर रहे हन। उन्हां कहा कि सरकार ने उन्हां नूं 3 फुट तक मिट्टी पुट्टण दी इजाजत दित्ती है, पर विभाग वल्लों कहा जा रहा है कि यह मिट्टी कईआं नाल पुट के ट्रालियां विच भरी जावे, जो कि बिल्कुल असंभव है। उन्हां मंग कीती है कि पुरानी पॉलिसी विच बदलाव करके जेसीबी ऑपरेटरां नूं मिट्टी पुट्टण दी इजाजत दित्ती जावे। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं जेसीबी अते टिप्पर यूनियन के प्रधान अमरजीत नागरा ने दसिया कि पंजाब सरकार एक पासे रुजगार देने की गल कर रही है, दूसरे पासे जो जेसीबी ऑपरेटर टिप्पर ऑपरेटर हैं उन्होंने कारोबार बंद किया जा रहा है। पुरानी पॉलिसी 1957 तहत उन्होंने उपर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार वालों उन्होंने 3 फुट मिट्टी पुट्टन की आग्ञा दी गई है, पर माइनिंग विभाग के अधिकारियों वालों कहा जा रहा है कि मिट्टी पुरानी पॉलिसी तहत कई पुट के ट्रालिया में भरी जाए, जो कि बिल्कुल असंभव है। अज के मशीनी युग में कौन कई मिट्टी पुट्टे। उन्होंने पंजाब सरकार तो मांग की है पुरानी पॉलिसी में सोध करके नवी पॉलिसी तैयार की जाए और उन्होंने मशीनों मिट्टी पुट्टन की इजाजत दी जाए। उन्होंने कहा कि जेकर उन्होंने मंगों वाल गौर न की गई तो आने वाले समय में नैशनल हाईवे मुकम्मल बंद करके पक्का धरना देने मजबूर होगी। दुआबा मेल के नाल गुरदासपुर तो लवप्रीत सिंह खुशीपुर की विशेष रिपोर्ट। साड़ी मांग है कि माइनिंग विभाग सानू मशीनों ने पटाई नहीं कर दिता, वो संबंध में अभी प्रदर्शन रोड प्रदर्शन किया। विभाग ये कहता कि तुम पटाई करो लेकिन कई ना करो। सर वेखो ये 1957 का एक्ट है जी, कई तो नहीं पुटे जा सकता, हम डिजिटल जमाना है। तो नाले सरकार सर कहती है कि मान साहब कहें भी आप आने वाले स्कूलों यहो जी पढ़ाई करावे कि जेडे बच्चे नौकरी मंगन नहीं नौकरी देन। तो सारे जिन्हें भी आ सारे टिप्पर ओनर जेसीबी वाले आ मतलब ट्रैक्टर ट्राली वाले सारे मालिक है जी, ये सारे रुजगार देने वाले आ जी। इन्ह सार को तकरीबन बहुत नहीं तो कोई 4-5 गड्डिया, एक मुलाजम एक जने को आ, किसी को 4 ट्रैक्टर वा, एक मशीन वा जी, मेरे खुद को भी 2-3 मशीन ने, कोई 10-12 गड्डिया ने। जे तुहाडा कारोबार बंद होता तो कितना क लोग प्रभावित होते हैं? सर प्रभाव तो सर आपके ला लो भी मेरे को 125 बंदे को मुलाजम भट्ठे भी काम करते हैं जी, 17-18 इतने मशीन के काम करते हैं, ला लो कि 140 बंदे तो मेरे तो प्रभावित है अपने। सरकार की मंशा की लगती है, एक पास सरकार शराब सस्तीकरण से लगी हुई है, तो दूसरे पास सर अपनी पॉलिसी लैके नवी जुड़ू की। सर सानू तो इस गल की समझ नहीं भी चन्नी सरकार ने 3 फुट की माइनिंग कड़ी हुई थी। देखो कि जिमीदार ने अज के धी का या पुत्र का कार्य करना, धी पुत्र का किन्हें कार्य करना सर, वो अपनी मिट्टी पटा के अपना बच्चा विदेश भेज सकता, वो कुछ ना कुछ अपना कर सकता। वेखो अजक आड़ती भी पैसे नहीं देंगे तो वो अपनी लोड़ पूरी होंगी आ, इस ये मशीन वाले की तो लोड़ है ही है, नाल मुलाजमान की किसान की सारे का मतलब पूरी होंगी। मंग यही करते हैं भी सरकार सानू कम कर दे, साडा कोई सरकार ना गैर विरोध नहीं, असं तो खुद आप पार्टी के मुलाजम हाँ जी, श्री हर कृपा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, पॉलिसी सोध होनी चाहिए आ। जे नहीं सरकार किसी पास लगती नहीं गल मानती तो फिर अगे की रणनीति तैयार की जाए? सर वेखो हाले तो साडे नाल दे साथी मंग पत्र देन गए हुए एस डी एम साहब नूं डी साहब नूं, तो जे नहीं लगेगी तो फिर आ जाके एक ही गल आ जी, फिर रोड ब्लॉक मतलब जो ये नहीं करना चाहते, जे साडी सरकार ने ना सुनी तो फिर मजबूर ना जी। तुहाडे नाल काम किया जा रहा? नहीं सर पिछले 2 मिनट तो काम बंद है। अज का जिहड़ा साडा प्रदर्शन आ इस सरकार के खिलाफ या माइनिंग विभाग के खिलाफ आ, जिन्हें भी आ असी साथी इतने बैठे हाँ गुरदासपुर जिले संबंधित जेसीपी वाले टिप्पर वाले मिट्टी का काम करने वाले ट्रालिया वाले, सानू जिहड़ी सरकार वालों तंगी दिती जा रही है वो कहिंदे आ कि जमीन दे विच 3 फुट मिट्टी तुसीं पुट सकदे हो लेकिन जेसीपी नहीं ला सकते, कोई मशीनरी नहीं ला सकते, कई ना लेबर ना भर सकते हो। अज सारा जमाना इस गल्ल नूं जानदा, तुसीं भी मीडिया वाले जानदे हो कि ट्रालियां जां टिप्पर कई बाल्टियां नाल कोई लेबर भर सकती है, आप तो सारे जड़े काम ने सरकार मशीनां नाल करा रही आ, ते माइनिंग विभाग जिहड़ा इह सानूं जान बुझ के तंग कर रहा कि तुसीं मशीन नहीं ला सकते। साडियां कई थाई मशीनां फड़ के टिप्पर ट्रालियां फड़ के ते इन्हां ने परचे भी करते आ, इस करके पूरे पंजाब दे विच ही साडा संघर्ष चल रहा।
साडा संबंध आ सिर्फ मिट्टी नाल, कोई रोड ते मिट्टी पाउणी आ, किसे घर दे विच नीयां भरियां होईयां ने मकान बन रहा जां कोई प्लाट विच मिट्टी पाउणी आ, होर साडा कोई रेते बजरी नाल जां होर माइनिंग नाल कोई संबंध नहीं है। देखो जी, उहदी पॉलिसी बारे अजे तक क्लीयर नहीं करदे, अंग्रेजां वेले दी पॉलिसी आ, क्योंकि उदों इह मशीनरी हुंदी नहीं, उन्हां नहरां बन्नियां रेलां बन्नियां ते उदों माइनिंग जिहड़ी आ जां लेबर ही करदी सी, ते उसे गल नूं लै के सानूं तंग कर रहे आ। जे मन लैंदे वी उहदे विच कोई लिखिआ, जे 3 फुट तुसीं लिखिआ वा वी 3 फुट तुसीं मिट्टी पुट सकदे हो, ते उहदे विच सोध कर दिओ। इलाके दी मुश्किल वेखो पंजाब दी, इहदे नाल साडा बहुत ज़्यादा नुकसान होया, साडे नाल कई परिवार जुड़े ने। एक बंदे सरकार कहिंदी आ कि अपने काम खोल के रुजगार दो, बेरोजगारी खत्म करो, ते असीं ते सारे जिहड़े साडे नाल ड्राइवर ने, हैल्पर ने, जां मालक ने, सारे एक दूजे दे नाल साधन बने हुए आ, अगले नूं रुजगार मुहैया करा रहे हैं, पर इन्हां ने सानूं ऐतकां बहुत ज़्यादा तंग किया वा। साडी इहो ही मंग आ कि जिहड़ी उह सानूं JCB चलाउण दी आग्या दित्ती जावे, ते रोड ते जा रहे साडे जिहड़े मिट्टी नाल संबंध भरे हुए टिप्पर ट्रालियां नूं रोकिआ नहीं जाए। जी, मैं कपिल ठाकुर एडवांस अमेरिकन तो, अज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कि रीसेंटली हमने अपने 12th के एग्जाम कंप्लीट किए हैं, हूँ वह IELTS या PTE करने के लिए एक बढ़िया इंस्टीट्यूट की भाल के हो गए। स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें दस देव कि हूँ असी मुकेरिया के नाल नाल दसूहा के विच भी अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर चुके हाँ, जिथे कि स्टूडेंट्स की बहुत एक भारी डिमांड सी कि असी मुकेरिया के नाल उन्होंने दसूहा के विच भी IELTS और PTE की कोचिंग दे सकीए। सो स्टूडेंट्स, जेकर तुसी भी फर्स्ट अटैम्प्ट दे विच अपना IELTS या PTE का एग्जाम क्लीयर करना चाहते हो तो साडे मुकेरिया ऑफिस या फिर दसूहा ऑफिस दे विच आके विजिट कर सकते हो, डिजायरेबल स्कोर तुसी लै सकते हो। दैट्स माई चैलेंज कि तुसी फर्स्ट अटैम्प्ट दे विच ही अपना PTE का और IELTS का एग्जाम क्लीयर कर सकते हो। वधेरे जानकारी दे लई साडे हेठ दित्ते नंबरां दे उपर तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हो। थैंक यू।